गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेसन फोर्थ, बिपिन चौधरी लैब्स ऑफ मेमोरी का तीसरा भाग हम पढ़ रहे थे। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, बिपिन चौधरी का विस्मरण, तो हमने पढ़ा कि उनको उनकी जो रांची यात्रा जो थी, जो अक्टूबर 1958 में उन्होंने जो है वो की थी, तो उस यात्रा को वे भूल चुके थे। कालीचरण नाम के दुकान पर एक व्यक्ति ने उनको याद दिलाने का प्रयास किया, बहुत सारी बातें बताई, अंतरंग बातें जो है वो बताई, लेकिन सभी बातें याद होते हुए भी उनको रांची वाला वो ट्रिप जो है वो उनको याद नहीं था। इससे वो बहुत चिंतित हो गए थे, भूख भी उनको नहीं लग रही थी। उन्होंने दिनेश मुखर्जी, जो कि बताया कहा जाता है कि उनके साथ थे उस ट्रिप के दौरान, उनसे भी पूछ लिया। उन्होंने भी जो है वो सहमति जताई थी इसमें कि जो है वे 1958 में रांची में थे, लेकिन विपिन बाबू फिर भी जो है उस ट्रिप को, उस यात्रा को याद नहीं कर पा रहे थे। और फिर जब वे लंच के बाद बिस्तर पर लेटे हुए थे, विचार कर रहे थे, और तभी उनका नौकर आया था, और उस नौकर ने कहा था कि चुन्नी बाबू जो है वो आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, कोई आवश्यक कार्य है, महत्वपूर्ण काम से आए हैं। तो उसके बाद जो है वे विचार करने लगे वापिस, कि जो है वे उस चीज़ को क्यों याद नहीं कर पा रहे हैं। बाकी सभी चीज़ें उनको याद हैं और वो चीज़ उनको याद क्यों नहीं है, उनकी यात्रा जो प्रवास जो है, रांची प्रवास जो है वो क्यों याद नहीं है। हो सकता है कि किसी भी दिमाग, किसी भी व्यक्ति के अगर चोट लगती है, सिर में चोट लगती है, तो उसकी याददाश्त चली जाती है और उसमें संपूर्ण याददाश्त जो है वो चली जाती है। उन्होंने ये भी जाना कि ऐसा कोई व्यक्ति या कोई उदाहरण उसके सामने नहीं है कि जिसको सिर में चोट लगी हो और उसको केवल एक चीज़ जो कि कुछ समय पहले हुई हो वो ही याद न हो, बाकी सभी चीज़ें याद हो, ऐसा कोई उदाहरण उनके सामने नहीं था। कहने का मतलब ये था कि जिसके चोट लगती है सिर पे, वो उसकी याददाश्त जो है वो पूरी चली जाती है, उसमें आधा याद रहता है, आधा याद नहीं रहता है, ऐसी चीज़ नहीं होती है। और ऐसा विपिन बाबू जो है वो मान रहे थे और वे समझ रहे थे कि मेरे सामने भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिसको कि कुछ चीज़ें याद हो और कुछ न हो। और 7:30 बजे उसी दिन उनका नौकर आया था और उसने कहा था कि चुन्नी बाबू आए हैं, कहते हैं कि कोई महत्वपूर्ण कार्य। तो फिर उसके बाद क्या होता है, चुन्नी कौन थे और क्यों आए थे वहाँ पर और क्या हुआ, उनकी बीच में क्या बातचीत हुई, इसको जानने के लिए हम आज हमारा जो इससे नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ है उसका हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। लिखा है, विपिन बाबू न्यू वॉट चुन्नी हैड कम फॉर, विपिन बाबू न्यू
वॉच सुनी है कंपोर्ट। विपिन बाबू जानते थे कि चुन्नीलाल जो है वो क्यों आया था। चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम। चुन्नीलाल विद्यालय में उनके साथ में था, उनके साथ पढ़ा हुआ है, उनके साथ पढ़ा हुआ था। ही हैड बीन हैविंग एयर टाइम। उसका समय चुन्नीलाल का जो है वो रफ चल रहा था, यानी चुन्नीलाल का समय जो है वो बुरा चल रहा था। एंड लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट द जॉब। और काम दिलाने के लिए, काम के सिलसिले में चुन्नीलाल जो है वो अक्सर बिपिन बाबू के पास में आता रहता था। फिर लिखा है बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो। और बिपिन बाबू जानते थे कि उसके लिए कुछ भी करना संभव नहीं था, और ये बात उन्होंने, बिपिन बाबू ने उसको भी बता दी थी कि मैं आपको कोई काम नहीं दिला सकता, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ये बात बिपिन बाबू जो है चुन्नीलाल को पहले बता चुके थे, कह चुके थे। बट लेकिन चुनी कैप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड मैन। लेकिन चुनी जो है वो हमेशा खोटे सिक्के के जैसे बार बार आ जाया करता था, मतलब वापस आ जाया करता था। मना करने के बाद भी चुनी जो है वो उनके पास काम के लिए आ जाया करता था। विपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुनी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। विपिन बाबू ने संदेश भेजा अपने नौकर के साथ में कहलवाया कि अभी उससे मिलना संभव नहीं है, न केवल अभी बल्कि कई सप्ताह तक उस चुन्नीलाल से मिल पाना संभव नहीं है। बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट। लेकिन जैसे ही नौकर ने कमरे से बाहर कदम रखा, इट स्टक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेम्बर समथिंग अबाउट द 58 थी। तो जब नौकर ने बिपिन बाबू के कमरे से बाहर कदम रखा, तभी बिपिन बाबू के दिमाग में विचार आया कि चुन्नी जो है 1958 की यात्रा के बारे में जानता होगा। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम। उसको पूछने में कोई नुकसान नहीं है। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम। बिपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियां उतरे और बैठक कक्ष जो था उसमें गए। चुनी वाज अबाउट टू लीव। चुनी जो है वो चलने ही वाला था, रवाना होने वाला था। बट लेकिन सीइंग बिपिन बाबू, बिपिन बाबू को देख करके, एपीजे देख करके, सीइंग बिपिन बाबू एपियर, बिपिन बाबू को आते हुए देख करके, ही टर्न्ड अराउंड क्विकली।
वो आशा पूर्वक पीछे मुड़ा कि जो है वो मेरा काम होगा। विपिन बाबू बिगंट बीट अबाउट द बस। विपिन बाबू ने कोई इधर उधर की बात नहीं की, सीधे पॉइंट पे आए, वो पूछना चाहते थे उसी पर आए, इधर उधर की बातें विपिन बाबू ने नहीं की। लिसन सुनी सुनी सुनो। आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव अ गुड मेमोरी, आपकी याददाश्त अच्छी है। एंड यू हैव बीन सीइंग मी एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और आप मेरे से पिछले लंबे समय से मिलते रहे हो। जस्ट ग्रो योर माइंड बैक, अपना अपनी याददाश्त थोड़ी पीछे ले जाओ या अपने दिमाग पे जोर डालो। एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 1958, क्या मैं 1958 में रांची गया था, ये मुझे बताओ। ऐसा विपिन बाबू ने उस चुन्नी से कहा। फिर इसके बाद में देखो क्या हुआ, चुन्नी क्या कहता है, उसका क्या जवाब रहता है। फिर उसके बाद में चुन्नी लाल का क्या जवाब रहता है, चुन्नी लाल क्या कहते हैं, क्या उनको मालूम है उनकी ट्रिप के बारे में, इसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। एक बार मैं उसको और जो है ट्रांसलेशन कर देता हूँ। चुन्नी लाल उनका मित्र, स्कूल का, विद्यालय का मित्र, सहपाठी, उनके घर पे आए थे। 7:30 बजे की बात है, तो नौकर ने आकर के बताया था कि चुन्नी आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य है। तो विपिन बाबू को ध्यान था कि चुन्नी लाल जो है वो किस काम से आया होगा, क्योंकि वो हमेशा उनके पास में काम के सिलसिले में आते रहते थे, उनका समय जो है वो ख़राब चल रहा था। और विपिन बाबू ने अपना संदेश भेजा था अपने नौकर के साथ में कि उनको कह देना कि उनसे अभी मिलना संभव नहीं, अभी नहीं बल्कि कई सप्ताह तक जो है उससे मिलना संभव नहीं है। और फिर अचानक जब नौकर वहाँ से चला गया तो विपिन बाबू को याद आया कि हो सकता है कि 1958 की उस रांची की यात्रा के बारे में उस चुन्नी लाल को याद हो, तो उसको उसके बारे में पूछने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसा सोच करके वे सीढ़ियाँ उतर करके उस बैठक कक्ष में, अतिथि कक्ष में जहाँ चुन्नी बैठे थे वहाँ पर वो गए। चुन्नी जो है वो रवाना होने ही वाले थे, लेकिन जब उन्होंने विपिन बाबू को आते हुए देखा तो वे आशापूर्वक पीछे मुड़े। तो विपिन बाबू ने इधर उधर की बात न करके सीधा जो है वो जो पूछना था वो पूछा, कहा, चुन्नी सुनो, मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ। आपकी याददाश्त अच्छी है और आप काफ़ी लंबे समय से मुझसे मिलते रहे हो, मेरे पास आते जाते रहे हो, अपने दिमाग पे जोर डालो, अपनी याददाश्त को पीछे ले जाओ और मुझे बताओ कि 1958 में मैं रांची गया था, यहाँ तक जो है वो आज का ये लेक्चर है। फिर चुन्नी का क्या जवाब रहता है, वो क्या कहते हैं कि वास्तव में वे गए थे, उनको याद है कि नहीं है, और आगे क्या होता है, इसको हम जो है वो इससे अगले वाला वीडियो लग सकता है उसमें जानेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, टेक्स्ट बुक आपके पास होगी ही, और प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे, वीडियो लेक्चर देखें, खुद ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें, स्पेलिंग ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें और प्रश्न उत्तर वगैरह जो है, लैंग्वेज वाला जो पार्ट है, भाषा वाला जो पार्ट है जिसमें ग्रामर का भाग जो है उसको भी लर्न करें, सीखें,
और अपने कार्य को नियमित रूप से मुझे भेजे, जिससे कि उसमें गलतियां जो है सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविक है कि गलतियां जो है वो होगी और होती है, तो डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन वो गलतियां, अगर उनको गलतियों को निकाला नहीं जाएगा, आपको बताया नहीं जाएगा, सुधार नहीं किया जाएगा, तो आप उन गलतियों के साथ ही उस चीज़ को तैयार कर लोगे और वो आपके लिए आगे नुकसानदायी होगा, अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए आप काम को मुझे बताएं, जिसमें आपका जो भी सुधार है, जो गलतियां हैं, वो हम देख सकें और आपको बता सकें और आपको सुधार करवाया जा सके। तो इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो लेक्चर हम यहीं समाप्त करेंगे। थैंक यू।